सत श्री अकाल, नमस्कार। सब तो पहला तो मैं इस इंटरव्यू नू टीवी ते दिखा रहे बाबा जी टेलीफिल्म्स का बहुत धन्यवाद करती हाँ, जिन्हां ने आज दा मैनू यह समा दिता कि मैं अपने दिल दे विचार थोड़े हर एक दे नाल सांझे कर सकां। मैं रिंपी शहर खरड़ दी रहण वाली एक सादे ते गरीब परिवार चों बिलोंग करती हाँ। साडी एक छोटी जी फैमिली है। फैमिली दे विच मैं, मेरे माता पिता जी ते मेरा एक छोटा भरा है। मेरे मम्मी डैडी जो कि मेरे इस म्यूजिक दे शौक नू लेके हमेशा मेरा सहयोग दिंदे आए हैं। मेरे माता पिता जी बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, पर फिर भी उन्होंने सुपना है कि मैं जिंदगी तरक्की कर सकाँ। मेरे पिता जी मजदूरी करते हैं ते मेरी माता जी एक हाउस वाइफ हैं। मैनू बचपन तो ही म्यूजिक का शौक रहा है। गाण का शौक तो मेरा पहला दा ही है ते मैं जिंदगी विच यह सोचा सी कि जेकर मैं कोई म्यूजिक कोर्स कर लवांगी तो मैनू सुरां दा चंगा ज्ञान हो जाएगा। मैं स्कूल टाइम तो गाँदी आ रही हाँ। स्कूल च जो भी कंपीटिशन हुंदे सी मैं उन्हां च पार्टिसिपेट जरूर करती सी। चर्च विच भी मैं गाँदी हाँ ते मैं बहुत वधिया लगता है। रिलीजियस सोंग गाने मैं बहुत पसंद हैं ते मल्टी कैसेट च दो सोंग मैं रिकॉर्ड किए हैं। उन्हां चों मैं फर्स्ट सोंग दे बोल कुछ तुहानू गा के सुनाना चाहांगी। दिल करदा है मेरा कि मैं बैतलहम नू जावा। दिल करदा है मेरा कि मैं बैतलहम नू जावा। जिस थां यीशु पैदा होया, जिस थां यीशु पैदा होया, दर्शन करके आवा। दिल करदा है मेरा कि मैं बैतलहम नू जावा। मां मरियम दे प्यार च पलिया, जिस थां यीशु खेडे अमलिया। मां मरियम दे प्यार च पलिया, जिस थां यीशु खेडे अमलिया। उस पवित्र धरती दी मैं, उस पवित्र धरती दी मैं धूड़ मत्थे नू लावा। दिल करदा है मेरा कि मैं नासरत दे विच जावा। मैं चर्च विच भी गाँदी हाँ ते मैं बहुत पसंद है रिलीजियस सोंग गाने ते चर्च विच बहुत तरह के मैं गीत गाँदी है जो थोनू मैं सुनाना चाहूँगी। एक दो गाना उन्होंने चो खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं के खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं थोनू रिलीजियस सोंग की गल की सी। दूजे ये है कि मैं बी ए फाइनल की स्टूडेंट हाँ, म्यूजिक कोर्स कर रही हाँ। और मैं बहुत जगह पार्टीसपेट किए हैं जिमें कि यूथ फैसट वगैरह, जिथे भी मैं गई हाँ हमेशा ही परमात्मा ने मैं सफलता दी है।
यूथ फेस्ट विच भी मैं एक सॉन्ग गाया सी जो कि राजस्थानी फोक गाना गाया सी उस च, जिस दे बोल मैं तुम दसना चाहूंगी गा के। हो जल भरी हो ही बोड़ा खाए तनियारे सम की, हो जल भरी हो ही बोड़ा खाए तनियारे सम की, रे सम की तनिया जद अच लागे, रे सम की तनिया जद अच लागे, मारे साइडा ने जल्दी बुलाए तनिया रे सम की, हो जल भरी हो ही बोड़ा खाए तनिया रे सम की, रेशम की तनिया जद अच लागे, ओ रेशम की तनिया जद अच लागे, मारे साइडा ने झुमके दिलाए तनिया रेशम की, हो जल भरी हो ही बोड़ा खाए तनिया की, हो जड़ भरियो ही बोड़ा खाए तनियारे सम की। जो मैं यूथ फेस्ट सॉन्ग नू गाया था, मेरा थर्ड प्राइज आया सीगा, उस टाइम मैं बहुत खुश सी और मैंने साधना मैम अपने नाल लेके गए, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिता है और हमेशा ही मैं पार्टिसिपेट करने का मौका देंदे आए हैं। और इस तो इलावा मैं मास्टर सलीम जी की बहुत वड्डी फैन हाँ और मैनू सुरिंदर कौर जी के गाने बहुत पसंद हैं, जो मैं 9th क्लास च पार्टिसिपेट कर दिया हाँ 9th क्लास तो स्कूल टाइम तो ही, और उत्थे मैं सुरिंदर कौर जी का गाना गाया सी ते उत्थे मेरा फर्स्ट प्राइज आया सी, ते जो मैं उस उत्थे सॉन्ग गाया मैं तुहानू गा के दसना चाहगी। बत्ती बाल के बने रहे उत्ते रख दिया, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रख दिया, गली पुल ना जावे जन मेरा हाए नी, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रख दिया, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रख दिया, गुंदिया ने मीडिया ते कजला भी पाया है, अजे भी परौने नहीं हो बूहा खड़काया है, गुंडिया ने मीडिया ते कजला भी पाया है, अजे भी परौने नहीं हो बूहा खड़काया है, वे मैं अखियां बूहे दे वल रख दिया, वे मैं अखियां बूहे दे वल रख दिया, आके मुड़ ना जावे जन मेरा हाए नी, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रख दिया, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रख दिया। मैं बीए फाइनल दी स्टूडेंट हाँ ते कॉलेज च मेरे सारे मैम जो है गे म्यूजिक दे सारे बहुत चंगे ने, सारे मैंने बहुत प्यार करते, मेरी फ्रेंड्स भी सारी बहुत चंगिया ने और हमेशा मैंने इदा ही कहनी कि रिंपी तेरी वॉइस का टच फोक है, तू फोक फोक सॉन्ग बहुत अच्छे गाँदी है। एक दिन इदा ही असी बैठे सी कैंटीन दे विच ते मीह दा मौसम हो रहा सी, बदल छाए हुए सी, ते मैंनू कह रहे तू कोई सॉन्ग गा के सुना भी जिहड़े तू सुरिंदर कौर दे फोक सॉन्ग गाँदी है, तेरी वॉइस उस बहुत अच्छी लगती है, ते मैंनू कहन लगी तू गा के सुना, ते मैं उन्होंने एक गाना सुनाया, मैनू अजे भी याद आ कि उस गाने दे बोल सी, मैं तुहाडे नाल उह गाना शेयर करना चाहाँगी, सो मैं तुहाडे नाल दो लाइनां गा के तुहानू सुनाना चाहाँगी। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा व्यासा तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया, रुठड़ा जांदा माइया, व्यासा गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा व्यासा तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, काले काले बदल आए चुकी जाए हनेरी, अच ना सातों रुसी वे टोला सोए तेनू मेरी, काले काले बदल आए चुकी
जवानी खिड़ खिड़ हसे ए सोना वे घरों किसे नहीं छोड़िया। बाजरे दा सिट्टा वे हसा तली ते मरोड़िया। बाजरे दा सिट्टा। इस तो अलावा सुरेंद्र कौर दे गाने गाने तो बाद मैनू मास्टर सलीम जी भी बहुत पसंद ने। उन्होंने मैं बहुत गाने गाती हाँ। मैं हमेशा चाहिया कि मैं उन्होंने मिला पर मैं उन्होंने कभी मिल नहीं पाई। तो मैं उन्होंने वर्गी बनना चाहती क्योंकि मैं उन्होंने की आवाज़ बहुत वधिया लगती है। हमेशा बहुत वधिया गाँव उन्होंने सारे सॉन्ग मैंने बहुत पसंद है। मैं उन्होंने बहुत लाइक करती। मैं उन्होंने बहुत वीडी फैन हाँ। तो उन्होंने गाने गाने मैंने बहुत ज़्यादा वधिया लगते हैं। तो मैं उन्होंने भी एक दो गाना मैं एक दो लाइन उन्होंने गाने की थोड़े न शेयर करना चाहूँगी। सजनी रल गल्ला करिए सानू अंत विछड़ना पै जाना। मैं की कर दी नी तू जांदी वारी कै जाना। मेरे हासे खुशियां रौनक नूं तू हथी लुट के लै जाना। ओ मेरी सी कदे मेरी सी नी असी एहो कहदे रह जाना। दूर मेरे तो जाने सकदी होर किसे नू जाने सकदी। दूर मेरे तो जाने ही सकदी होर किसे नू जाने सकदी। विछड़न पिछे कोई गल जरूरी होवेगी। विछड़न पिछे कोई गल जरूरी होवेगी। उस कुड़ी दी वी कोई मजबूरी होवेगी। उस कुड़ी दी वी कोई मजबूरी होवेगी। पल जुदाइयां पै गईयां तां की होया। दिल दिया दिल विच रह गईयां तां की होया। ओ भी तां पछताउंदी होनी बुक बुक नीर बहाउंदी होनी। ओ भी तां पछताउंदी होनी बुक बुक नीर बहाउंदी होनी। ओ दी वी तां हर इक रीझ अधूरी होवेगी। ओ दी वी तां हर इक रीझ अधूरी होवेगी। उस कुड़ी दी वी कोई मजबूरी होवेगी। उस कुड़ी दी वी कोई मजबूरी होवेगी। हाँ हुण मैं तुहानू सारे नू थोड़ा अपनी फैमिली बारे दसांगी। जिवें कि तुहानू मैं पहले ही दस्सिया सी कि मैं एक सादे ते गरीब परिवार चों बिलोंग करदी हाँ। मेरे डैडी मजदूरी करदे आ। फिर भी जदों शाम नू थके हरे घर आंदे आ तुहानू पता ही है जदों बंदा मजदूरी करके थक्या होया घर आंदा है फिर भी वो इन्ना उहदे बावजूद भी मेरी इन्नी केयर करदे आ कि उन्होंने मैनू हजे भी याद है कि एक दिन उन्होंने मैनू कहा कि बेटा तू कितने तक म्यूजिक बारे कुछ सीखे है तो मैनू भी कुछ सुना रिलीजियस सोंग सुना। मैंने भी कोई रिलीजियस सोंग सुना तो मैं उन्होंने सुनाया। तो जो मैं हारमोनीयम तो उन्होंने सोंग सुनाया तो उन्होंने एकदम सारी थकावट खत्म हो गई। तो वह इन्ने खुश होए तो मैंने शाबाश दी और उन्होंने मैनू उस टाइम जेब चो 100 रुपये का नोट दिता। तो अज भी वह मैं नोट संभाल के रख्या होया है। मैंने बहुत खुशी होंगी है। मैं लगता है कि जे हर एक माँ बाप इदा ही अपनी बेटी के लिए बेटिया के लिए करे तो हर एक बच्चे का एम है जो वो दिल का वह जरूर पूरा होएगा। जिवें कि मैं थोड़ा पहला दस्या जो मेरे डैडी मजदूरी करके घर आए तो उन्होंने मैंने कहा कि रिंपी तू मैं हारमोनीयम से कोई भी गाना सुना। तो मैं उन्होंने जो भी गाना सुनाया वह मेरा अपना गाना लिखा हुआ है।
ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਤੇ ਚੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੜਾਇਆ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੜਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੋਕੋ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਲੋਕੋ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੜ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਏ ਪਰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਛਤਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਏ ਪਰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਛਤਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿੰਪੀ ਲਈ ਜੱਗ ਤੇ ਚਰੋਖਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮ ਏ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਵੋਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ